श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। एक दिन की बात है, उसने माता पिता को भोजन कराया। वे लेट गए तो उनके पैर दबाने लगा। बातचीत होने लगी। उसने कहा, आज कुछ लोग तो जा रहे थे, वे भजन गाने में मग्न थे। उन्हें अपने शुद्ध बुद्ध ना थी। बूढ़े पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती, हम भी तीर्थ करने जाते। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या कहते हो, अपने भाग्य को सराहो, हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार ने उसी समय मन में ठान लिया कि वह अपने तीर्थ अवश्य कराएगा। यह सोचकर श्रवण बढ़ई के पास गया। बढ़ई उसे देख कर बहुत खुश हुआ। वह बोला, कहो बेटा कैसे आए। Dr. APJ Abdul Kalam is regarded as an ideal Indian and a source of inspiration for people all over the world. APJ Abdul Kalam was born in a small village of Rameswaram, Tamil Nadu on 15th October 1931. When the newborn was to be named, he received the name of his father, Zainuladdin Abul Pakir Zainuladdin Abdul Kalam. Or APJ Abdul Kalam learned to give importance to human values from his father. अभी यहाँ आप देखेंगे कि कैसे लिखते हैं ना, लिख रही हैं। जैसे हम लोग का ये स्लेट है, पेपर डाली है, मैं आपको बताऊंगी बाद, एक्सप्लेन करूंगी। ये उनका पेंसिल है, से लिख रही हैं।
यू कैन टेल एनीथिंग, आप उड़िया में भी बोल सकते हैं, किसी भी भाषा में बोलिए, आप लिखेंगे और पढ़ सकते हैं, समझेगी नहीं लेकिन लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। उड़िया में कुछ बोलना है, कुछ बोलना है बोल दीजिए। हाँ जी बोलिए कुछ उड़िया में, समथिंग यू टेल शी राइट। मोर नाम संदीप जोजो। Immediately they catch. For them no need to buy hat. If we'll teach one song, immediately they will sing. Pura apne se gaenge. If we'll teach one song, for them no need copy to see and listen. Buy hat will sing immediately. Mu Odisaru Asichi. Mu Odisaru Asichi. आप सभी का जोर से सुनिए पढ़ रही है। इस जीवन ज्योति परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप यहाँ आए और अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। मोरो नामो संदीप जोजो वापरी उड़ीसारू आशीची। वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्लेट है ना, जर्मन स्लेट है और ये पेंसिल है, इसमें सिक्स डॉट्स होते हैं, आप देख रहे होंगे वो छोटे छोटे हैं ना, सिक्स डॉट्स हैं। सो किसी तरह से हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इनको करना होगा तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे। बहुत पेन तो छोटा छोटा है बिंदु, तो इसी सिक्स बिंदु है, इसी सिक्स छः बिंदुओं से दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। हालांकि ये लोग समझ नहीं पाएंगे या लैंग्वेज तो सीखना पड़ता है, लेकिन लिखना और पढ़ना अच्छी तरह से कर सकते। अभी आप स्वयं देखिए और सुने कि आप दुनिया में बोले और आपने लिखा और पढ़ा किस तरह से। तो ये है सिक्स डॉट से ही अनेकों भाषा में आप लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और सिक्स डॉट से ही ABCD जो बनी है ना, वो यही डॉट नंबर से ही बनी हुई है। तो ये सिक्स डॉट से है 63 जो सिंबल बना है उसी से बना है, और आप मैथ्स भी करेंगे और लिखेंगे पढ़ेंगे एनी लैंग्वेज। और एक था जैसे लिख रही थी, आप देखे होंगे ये ऐसे डाल के श्वेता राइट से लेफ्ट लिख रही थी। हम लोग राइट टू लेफ्ट नहीं लिखते हैं ना, हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया, राइट टू लेफ्ट लिख के लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, पलट दिया और सेम पढ़ रही थी, लेफ्ट टू राइट पढ़ रही थी। एम्बोस हो जाता है ना, जो डॉट्स है ना यहाँ पे देखिए, पहले इस तरह से ऐसे लिख रही थी, फिर एम्बोस हो गया तो फिर डॉट डॉट देख सकते हैं। आपके लिए शिशिर डेस्क देखिए, पार कर दीजिए। आपके पास आ रही है, मैथ्स कैसे पढ़ते हैं, ये टेलर फ्रेम है, दिस इज अ पेक्स, दिस इज अ टेलर फ्रेम, पेक्स ये कहलाता है टेलर फ्रेम। तो इसी में मैथ्स, सारा मैथ्स इसी में किया जाता है, और साथ ही साथ ब्रेल में भी करते हैं, जो भी मैथ्स किया इसमें सॉल्व किया अपना लिखने लिख सकती है, ब्रेल में रख सकती है, लेकिन जितना भी करना होगा तो इसे नहीं करते। आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस प्लस एडिशन सब कुछ कर सकते हैं। आप कोई सा भी अमाउंट नंबर बोलिए, जोड़ सकती हैं, घटा सकती हैं, या 9 प्लस 9
डिजिट ले लीजिए, थ्री फोर डिजिट ले लीजिए। वेरी गुड। एंड इसने अभी देखिए ये पिक्स है ना, इसमें 9 दिया गया, इसी ने अच्छा करके दिया है, तो अभी 1 करेंगे। चलो 1 2 1 2 करते हैं। इसमें सारा ये अलग अलग से आकृति दिया है, जैसे कि इसमें है 1 है तो 1 इस वजह से 2, तो आपको एकदम पूरा सम हो गया ना 2, इधर 3 4 5 6 7 8 9 उल्टा हो गया इसका, एक इस तरह से है। एक्चुअली इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जैसे हम लोग मैथ्स करते हैं तो सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं ना, करते हैं तो उसमें लिखा रहता है बुक में प्रैक्टिस में, लेकिन इनका क्या उठा कर, क्योंकि इतना ही स्पेस है, इतना सफिशेंट से जगह नहीं है, तो लोग उठा के सब कुछ माइंड में रखे हैं यहाँ पर और सारा सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में हम लोग फाइनल करेंगे। अदरवाइज ब्रेल में लिखते हैं बट ज़्यादातर अपने यहाँ ही रखते हैं, माइंड में रखते हुए सॉल्व करते हैं पूरा। और सारे बच्चे यहाँ पे, हम लोग का ये स्पेशल स्कूल है, स्पेशल स्कूल शुरू हुआ है 1975 में, और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गया, 2 बच्चों से शुरू किया गया, और अभी तक अलग अलग यूनिट्स हैं, हमारा 6 यूनिट्स है। ये स्पेशल स्कूल है, फिर डिप्लोमा कोर्स है, 2 ईयर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग होती है 2 साल, फिर हम लोग का मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, और एक आउटरीचिंग भी प्रोग्राम करते हैं हम लोग, बाहर जाते गाँव में, जैसे ऐसे बच्चे हैं या बहुत पुअर्स उनका भी हेल्प करते हैं, या उनकी जो भी ज़रूरतें हैं तो उसे हम लोग हेल्प करते हैं। फिर हम लोग का CBR भी है, जो VTC से हम लोग सिर्फ कैंडल बनाते हैं, कैंडल दिया और चॉक्स और क्राफ्ट बनाते हैं, जो बच्चे जैसे कि 14-15 ईयर्स ओल्ड में आते तो सीधे उनको हम लोग लोअर क्लास में नहीं बैठा सकते, इसलिए हम लोग उनको एक तो ब्रेल देते हैं, 1 ईयर में ब्रेल कोचिंग कर लेते हैं, अच्छा से लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, तो हम लोग उनको सीधे क्लास 6 में बैठा देते हैं, मतलब एडमिशन करा देते हैं दूसरे स्कूल में, तो मतलब 4 साल में वो लोग अपना 10th क्लास एग्ज़ाम देने के लायक हो जाते हैं और देते भी हैं, फिर अपना हायर एजुकेशन करते हैं क्लास 11-12 करके, फिर बाहर चले जाते हैं। फिर हम जो इंक्लूसिव सेटअप है, जहाँ साइटेड बच्चे जो आँखें हैं वो बाहर के बच्चे आते हैं और हमारे बच्चे यहाँ क्लास 6 से पढ़ते हैं, 6 और क्लास 6 से लेके 12 तक पढ़ते हैं, तो सामान्य बच्चे जिसके आँख हैं उनके साथ ही रह के पढ़ते हैं, एक ही टीचर है, टीचर नॉर्मल होती हैं, ऑर्डिनरी टीचर होती हैं, और उन्हीं के साथ आप सभी को पढ़ते हैं, तो फोकस कर लेते हैं। क्लास ए प्राइमरी सेक्शन होता है, स्पेशल स्कूल है, तो क्लास 1-5 स्पेशल दिया जाता है, क्लास 5 तक आने तक आप देखिए ये लोग क्लास 5 में ये लोग उनके बराबर हो जाते हैं पढ़ने लिखने का, तो उसके बाद में क्लास 6 के लिए वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 6 यूनिट्स है, जो अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ इस संस्था में, जीवन ज्योति संस्था में बच्चों की सेवा करते हैं, और बहुत से सारे बच्चे बाहर से आते हैं, साइकिल हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बैठते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, डांस भी करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। हेलो अनिका, डांस?